नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 रफ्तार मीडिया से। आज हम अलवर के दौरे पे हैं और अलवर के दौरे पे हमारी आज जो मुलाकात है वो रामगढ़ जो जगह है, जो विधानसभा है, वहां से गद्दावर नेता रहे हैं और अभी भी हैं, ज्ञानदेव बाबजा जी से हमारी मुलाकात है। सर नमस्कार, आपको समय देने। अच्छा हुआ आपने भूतपूर्व ने कहा, क्यों मैं अभूतपूर्व विधायक मेरा टिकट काटा गया था, मैं हारा नहीं हूँ जी, इसलिए कोई मुझे भूतपूर्व कहता तो मैं कहता हूँ आपत्ति करता हूँ। भारत माता की जय बोलते हुए, आप सबका सम्मान करते हुए, रामगढ़ में, श्री रामगढ़ में जो वर्तमान चुनाव की स्थिति है, हमारी टक्कर सीधी कांग्रेस के श्री जुबेर खान से है और यूँ निर्दलीय कुछ कैंडिडेट हैं और निर्दलीय कैंडिडेट में जो फाइट में चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है, संपूर्ण सीधा सीधा कहूँगा एच ग्रुप की, माना हिंदू की, हिंदू की। वहाँ चुनाव चलते चलते हम चाहें न चाहें सामने वाले के कान हिंदू और मुस्लिम अपने आप हो जाता है, इसलिए जो धारा है वो एच का और ताजो होगा। इस बार कुछ मुस्लिम मेव बंधु भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं क्योंकि मैं सबका फोन उठाता हूँ, सबको अटेंड करता हूँ और काम की जो रिलीफ है मुख्य रूप से जनता को पुलिस से, मेडिकल और पंचायत समिति और तहसील से काम होता है। लगभग काम सारे मैं डन कर देता हूँ, चाहे थाना, चाहे सी ऑफिस DSP के जिसको कहते हैं, चाहे एसपी ऑफिस, चाहे ऊपर कोई काम होता है, चोरी डकैती छट्टा जुआ चाहे हिंदू चाहे मुसलमान सपोर्ट नहीं करता। बाकी मैं आम मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलता और कभी मोहम्मद साहब के खिलाफ भी नहीं बोला, इसलिए वहाँ जनता को धीरे धीरे महसूस हो रहा है। कुछ में तो ये कहते हैं भाई साहब आपके पेट में पाप नहीं है, ऊपर से जो करना हो कह देते हैं, तो इसलिए मेरे प्रति श्रद्धा हिंदुओं में तो है ही, जो राष्ट्रवादी राष्ट्रीय धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल है वे मुसलमान, वो भी हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। हम विजयी होंगे और अच्छे बहुमत से, भारी बहुमत से विजयी होंगे। ज्ञानदेव जी हमेशा एक बेबाकी से बात करने वाले रहे हैं और इस सीट को बीजेपी के लिए खोलने वाले भी ज्ञानदेव जी रहे हैं। ज्ञानदेव जी परिस्थितियां चेंज हुई हैं, आपने इस सीट पे बहुत संघर्ष किया है और अब आप ही के भतीजे जय जी जो है इससे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या संभावना है? देखिए मेरा भतीजा जरूर है, उसको न तो मैंने टिकट दिलवाया है जी और न मेरे कान उसको टिकट मिला। हाँ ये भाव भंगिमा मेरी है, ये कान हो सकता है जो बिल्कुल साफ साफ मेरी साफ सुथरी छवि के कान, किसी से दलाली की नहीं, कमीशन खाए नहीं, एक रुपया किसी से लिया नहीं और मंदिर गुरुद्वारों को हमेशा सहयोग किया, सपोर्ट किया है। आम जनता जो सहयोग चाहती है वो मैं करता हूँ। मेरा जो भतीजा है जया ओझा वो बहुत बोल्ड है, मेरे से अधिक पढ़ा लिखा है। सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी ये है, वो मास लीडर भले पहले नहीं रहा लेकिन वो हिंदू जनता की, उस जनता की जो बहुत पीड़ित होकर के पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगान से आती है, ऐसे भी 206 परिवार आए सिख अफगान में तालिबान से दुखी होके, तो जो गुरुद्वारे को ताला लगा के श्री गुरु ग्रंथ साहब से तो रख करके भारत में आए, ऐसे लगभग हजारों लोगों को नागरिकता दिलवाने में सहयोग किया जया ओझा ने। जया ओझा का एक संगठन बना नियमित के कम उसने किया और आर्थिक मदद करना, बेटियों का विवाह करना शरणार्थियों विस्थापितों का और उनको बसाना, एस्टेब्लिश करना, उनको काम में लगवाना, धंधे में लगवाना। 15 साल से VHP माने विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल साहब मिलकर के वो काम करता रहा है और बजरंगदल विश्व हिंदू परिषद के और दबाव के कान, प्रभाव के कान और हमारे जो मुख्य संगठन है संघ उसके कान से माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने जया ओझा को टिकट देने का तय किया। लोगों का ये मैंने उसको दिलवाया, मैं बोलने में सच बोलता हूँ, चलने में सच चलूँ, मेरे स्वभाव में झूठ खबर नहीं है। उसको टिकट दिलाने वाले हमारे मुख्य संगठन के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के बजरंगदल लोग हैं, इसलिए टिकट मिला। आश्चर्य होगा आपको कि 200 विधानसभा में लगभग 32 विधायक अपने लड़के, भतीजे, बेटी या बहू या पत्नी को चुनाव लड़ना चाहते थे। अलवर में दो लोग हैं लेकिन उनके किसी बेटे या भतीजे भाई को टिकट नहीं दिया। अकेला 200 सीटों में एक यूनिक एग्जाम्पल है, आपको अनुपम उदाहरण मिलेगा कि जया ओझा को टिकट दिया गया।
और वो जीतने की प्रयास में भाग लोड़ है। आपने कहा कि आपके प्रभाव से टिकट नहीं मिला है, लेकिन आशीर्वाद तो आपका बना रहेगा। आशीर्वाद तो सिर्फ बना रहेगा कि उसने समाज में बढ़ चढ़ करके बहुत काम किया है। पहले वो राष्ट्रीय शिक्षण संघ का ही औपचारिक संगठन विद्यार्थियों में अखंड भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा, अब वो विश्व उद्देश्य के साथ मिलकर काम कर रहा है और उनका आशीर्वाद से टिकट मिला। अब चूंकि मैं परिवार का हूँ और चाचा हूँ और मैं लगातार यहाँ विधायक रहा हूँ, लगातार विधायक करने के कारण आशीर्वाद तो मेरा स्वाभाविक है। मैं न कहूँ तो भी और कहूँ तो भी मेरा आशीर्वाद तो स्वाभाविक है, उसको है और मिलता रहेगा। आपकी लड़ाई में भी एक नजाकत है, श्री रामगढ़ श्री जुबिन, आप उन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि लड़ने वाले से भी इज्जत से लड़ाई करनी होगी। अमित जी आप त्यागी हैं जी, मैं सिपाही को भी श्री करके बोलता हूँ और श्रीमान राहुल गांधी बोलता हूँ। मुख्यमंत्री से जितने संघर्ष भारी पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत, श्रीमान राहुल गांधी, श्री जुबेर खान, श्रीमती साफिया खान, कभी भी मैं अनादर के साथ और किसी गलत शब्दों में मैं नहीं कहता। हाँ, कटाक्ष करने का मेरा स्वभाव उन पर है, वो मैं करता हूँ, लेकिन कटाक्ष करते हुए भी श्री और श्रीमान लगा करके, इसलिए श्री जुबेर खान या श्री सुखवंत सिंह, मैं इन शब्दों को नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि मैं विधायक रहा हूँ। एक SP ने मुझे कहा, मैं आपका आधा मिनट में बोल लूँगा, एक SP मैडम ने कहा, अभी जो हमारे गांधी जी आप के बहुत ज़बरदस्त केस हैं देश भर में राजस्थान के जिलों में, तो मैंने कहा सारे केस यहीं आगे क्या बोले, ऐसा है कि व्यक्ति जहाँ पर रहने वाला वहाँ उसकी FIR आती है, उसका करेक्टर पूछा जाता है। तो मैंने कहा क्या रिपोर्ट, बोले रिपोर्ट हमारे तत्काल SP ने दी होगी, अच्छी दी होगी। पर बात यह है कि मैंने उनको एक बात कही, उन्होंने कहा अब आप उम्र होगी इसलिए गुस्सा आपने कम कर दिया। मैंने उनके टेबल ठोकी, मेरा गुस्सा आज भी उतना है जितना पहले था, परंतु मैं विधायी कार्य से जुड़ा, एक बार विधायक, दो बार विधायक, तीन बार विधिवत विधायक, एक बार मैं 4.5 साल वो भी विधायक माने, हम लोगों को MLA वाला सारी सुविधा मिली। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं विधायी कार्य से जुड़ा, अगर मैं ही मारपीट करूंगा, मैं ही गुंडागर्दी करूंगा, मैं ही गालियां दूंगा, मैं अब शब्द बोलूंगा तो कार्यकर्ता क्या करेंगे, ये मेरा स्वभाव है और आज का स्वभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पिता श्री भी सरपंच रहे गंगानगर में, उनको भगत श्री होचंद कहते थे और स्वर्गीय हुए, उनका भी सबको सम्मान देके बचपन से उन्होंने हमको सिखाया, सम्मान दो सम्मान लो, आप कहो आप कहो आप कहलाओ, इसलिए मैं श्री और श्रीमान शब्दों को इतना छोड़ करके उनको सम्मान देता हूँ। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, ये थोड़ा सा जो है राजनीति से अलग है, आपकी मूछें और आपका प्रभाव ये हमेशा रामगढ़ पे बना रहा है और जनता पे बना रहा है। अभी अंदर मैं फोटो दिखाऊंगा जी, मेरी जब विवाह हुआ जी तब भी बड़ी मूछें थी जी, मेरे फादर ला के डॉक्टर साहब के मित्र लोग गुजर जाते छीन के गुजर जी बर्तरी और आगे तक के जी, वो आए तो गुजरों को लगा कि हम तो मूछ रखते हैं और हमारे तो बड़ी बड़ी गर्म मूछ है, पर MLA साहब अब तब MLA नहीं था, तब मैं भारतीय बंधु संघ में था, ज्ञान दे और दूरा हो गए और ये तो बड़ा कैडो आदमी है भाई, ये तो रावण आदमी है, ये शब्द गुजरों ने प्रयोग किया कि रावण आदमी है कैडो आदमी है, और शादी में भी मूछ साफ ना करे, शादी में तो लोग मूछदारी साफ करा दे। तो मेरा बचपन से स्वभाव है, जब से आई है 3 बार मूछे और दाढ़ियाँ साफ हुई हैं, 22 साल मैंने दाढ़ी भी रखी और जब हीरे मोतिया ने लगे मतलब आप सफेद बाल, तब मैंने दाढ़ी साफ करवाई, और मेरी एक बार माता श्री का निधन हुआ तब दाढ़ी मूछ साफ हुई, एक बार पिता श्री का, और एक बार आपातकाल में पूरे 18 महीने, एक महीना जरूर शुरू में दाढ़ी थी, बाद में दाढ़ी मूछ साफ करके मेरा DK शर्मा नाम रखा गया और मैं पूरे 19 महीने अंडरग्राउंड रहा और मेरे कई केस हैं और मैं गिरफ्तार भी हुआ सदर थाना में, लेकिन मैं सदर थाना से चकमा देकर फरार हो गया। ये बड़ी विलक्षण घटना मेरे जीवन की है, इसलिए मूछे मेरी परंपरागत है। हाँ, यहाँ करके ये मैंने दुपट्टा भी, इसलिए कि कुछ पहचान अपने अलग हो, एक दिन भी जी मगर तू ताज बन के जी, खुद पुजारी नहीं भगवान बन के जी, ये मेरा स्वभाव है और कार्यकर्ताओं के बीच में एक प्रेरणा का काम करता हूँ कि कुछ किया करो, कुछ किया करो, और कुछ नहीं मिले तो अपने कपड़े फाड़ कर किया करो, पर लगे रहो मुन्ना भाई, व्यस्त रहो तो दिमाग में ना शैतानी आएगी ना हैवानी आएगी, जीवन में पवित्रता बनी रहेगी। और आपको अभी भी मैंने सुनाया, बहुत आशावादी हूँ, आशावादी नहीं हूँ, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, अच्छे से अच्छा होगा, अच्छी आशा रखते हैं,
लेकिन बुरा से बुरा हो इसके लिए हम तैयार हैं। ये जीवन का आधार रहा, ये जीवन की प्रेरणा रही, इसी प्रेरणा के साथ काम किया है। देश विदेश के पत्रकारों को, कवि लेखकों को मैंने बहुत स्टडी की है। शास्त्रों में जहाँ शास्त्रों की स्टडी है वहाँ ये भी स्टडी है। आप और लंबा इंटरव्यू लेना चाहेंगे फिर आप ले लें। सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म न खत्म हुआ न होगा। चंगेज खान आए, तैमूर लंग आए, सात मुगल सल्तनत, तुगलक सल्तनत और सैयद और गुलाम वंश, गोरी, गजनवी सब आए और 200 साल अंग्रेज चले गए, लेकिन सनातन धर्म ने खत्म हुआ ना होगा। हाँ, अफगान के लोग पाकिस्तान के लिए कहते हैं वो साइड पार्ट है, मुख्य धारा सनातन धर्म की भारत है। नित्य नूतन चिर पुरातन सनातन धर्म है। आज सनातन धर्म आज अटैक नहीं हो रहा और सतयुग में भी करना किसान ने किया, लंबी कहानी फिर कहेंगे। आप इन्हीं शब्दों के साथ राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।